सेक्टर 49 में दिन दहाड़े चली गोली, एक शख्स की मौत, 3 घायल। जी हां, चंडीगढ़ के सेक्टर 49 से गोली चलने की खबर सामने आ रही है, जहां इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य लोग घायल हैं, जिनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उपचार हेतु PGI में और बाकी 2 को GMCH 32 में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना सेक्टर 49 डी में घर नंबर 2813 के सामने सुबह 8:30 बजे घटी। वही इस घटना में जिस युवक की मौत हुई है उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है। उधर 3 घायल युवकों की पहचान पंकज, आशीष और मेगल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक विशाल स्टूडेंट है और दिसंबर महीने से यहां किराए के मकान पर रह रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को विशाल का बर्थडे था, उसने अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया था। विशाल ने एक पार्टी भी रखी हुई थी, इस पार्टी में उसके दोस्तों ने देर रात तक घर में हुड़दंग मचाया और आपस में झगड़ा करने लगे, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को दिक्कत हुई तो उन्होंने देर रात पुलिस को कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इन सभी लड़कों को अपने साथ थाने ले आई और बाद में समझा बुझला कर छोड़ दिया। लेकिन ये मामला थमा नहीं और गोलीबारी में तब्दील हो गया। पता चला कि विशाल के घर में जो आरोपी लड़के पार्टी बनाने आए थे, उन्होंने सुबह फायरिंग कर दी और इस फायरिंग के चलते विशाल समेत 3 लोगों को गोली लग गई। यहां विशाल ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथी आशीष और पंकज और मेगल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उधर जैसे ही इस गोलीकांड की सूचना पुलिस को लगी तो फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने विशाल, पंकज, आशीष और मेगल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने विशाल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे को भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले आरोपियों को जल्द काबू कर लिया जाएगा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।